नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। खबर के प्रायोजक हैं कॉप अपेरल्स बुकेरीगंज आजमगढ़। हर फैशन के कपड़े, हर मौसम के कपड़े, बाय वन गेट थ्री फ्लैट 50% ऑफ ऑन शूज। काशी इलेक्ट्रिक भवरनाथ आजमगढ़, ई स्कूटी का एक्सक्लूसिव शोरूम वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़ और होटल पार्क ग्रीन नियर हाइडल चौराहा सिधारी आजमगढ़। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 4 अगस्त को प्रस्तावित आगमन को लेकर प्रशासनिक तैयारी तेज हो गई। प्रस्तावित कार्यक्रम स्थलों की साफ सफाई की जा रही है तो भवन का रंग रोगन किया जा रहा है, सड़कों की मरम्मत की जा रही है। हालांकि अभी प्रोटोकॉल नहीं है, लेकिन प्रशासन की तरफ से प्रस्तावित कार्यक्रम की तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर पुलिस लाइन में उतरेगा, जहां से वो आईटीआई मैदान हरा की चुंगी जाएंगे। वहां 31 परियोजनाओं का लोकार्पण और 24 परियोजनाओं का शिलान्यास के बाद जनसभा को भी संबोधित करेंगे। कलेक्ट्रेट सभागार में मंडलीय अधिकारियों के साथ विकास कार्यों व कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। उसके बाद शहर से सटे संगीत घराना के नाम से मशहूर हरिहरपुर गांव जाएंगे। इसे गांव को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाना है। उसके बाद मंदरू एयरपोर्ट का निरीक्षण करेंगे, जिसके बाद उड़ान की तारीख सुनिश्चित की जाएगी। मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर पुलिस लाइन से मंदरू एयरपोर्ट जाएगा, जहां से निरीक्षण के बाद मुख्यमंत्री लखनऊ के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। उधर आईटीआई मैदान में प्रस्तावित जनसभा कार्यक्रम को देखते हुए मंडलीय जिला चिकित्सालय की व्यवस्था चुस्त दुरुस्त की जा रही है। संभावना है कि मुख्यमंत्री निरीक्षण कर सकते हैं। प्रस्तावित कार्यक्रम स्थल का डीएम विशाल भारद्वाज सहित अन्य अधिकारी निरीक्षण कर चुके हैं। आइए, आपका इंतजार था और देखिए यहाँ की सड़कों का क्या हाल है। जी हाँ, गुरुवार को मुख्यमंत्री का जनपद आगमन हो रहा है और नगर की जनता चाहती है कि वो यहाँ की सड़कों का बेहाल हाल अपनी आंखों से देखें और प्रदेश के विकास की जमीनी हकीकत से रूबरू हों। कहना ना होगा कि जिले में कई सड़कों के काफी बदहाल होने से लोगों को तमाम समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। सड़कों के गड्ढे में तब्दील होने से लोगों को गंतव्य तक पहुंचने में काफी समय लग रहा है। गड्ढा युक्त सड़कें सरकार के दावे को आईना दिखा रही हैं। वर्तमान प्रदेश सरकार ने अपने पहले ही कार्यकाल में सत्तारूढ़ होते ही गड्ढा मुक्त सड़कों का नारा दिया था। इसके लिए एक साल की समय सीमा तय की गई, लेकिन साल दर साल बीतते गए, दोबारा सत्ता भी आ गई, लेकिन गड्ढा युक्त सड़कों को गड्ढा मुक्त नहीं किया जा सका। कुछ सड़कों को छोड़ दिया जाए तो जिले की लगभग सारी सड़कों की हालत खराब है। जिले की 75% सड़कों पर गड्ढों के चलते चलना दुश्वार है। बारिश के बाद जलभराव से तमाम सड़कों पर नए गड्ढे बन गए। इस राह पर चलना मतलब जान जोखिम में डालकर चलने के बराबर है। गड्ढा युक्त सड़क विभाग के गड्ढा मुक्त अभियान को मुंह चढ़ा रही है। पुरानी सब्जी मंडी से बदरका व मुकेरीगंज से हरा की चुंगी तक की सड़कें सबसे अधिक बदहाल हैं। कुछ कोर कसर बची थी तो वो बारिश ने पूरी कर दी। इसकी बानगी मुकेरीगंज होते जिला अस्पताल को जाने वाले मार्ग पर देखने को मिल रही है। सड़क पूरी तरह से टूट चुकी है। सड़क में गड्ढे या गड्ढे में सड़क, ये बता पाना भी मुश्किल है। इस राह पर लोग आने से भी कतराते हैं। इसे लेकर व्यापारियों ने भी कई बार प्रदर्शन किया, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। स्थानीय लोग नए सांसद के चुने जाने के बाद से ही इसकी मरम्मत होने का इंतजार कर रहे हैं। एक सड़क देख रहे मंत्री जी, हमारे यहाँ के नगीचे हैं, रोड बनी रह रहा है, उधर का चिप्पी मरा रहा है रोड, इधर का बनी रहा है। हम लोग परेशान है, आम जनता आने जा जिस पे मुख्यमंत्री आ रहे हैं वो रोड बन रहा है, ये रोड बहुत बेकार है। ये आप जनता चल रही है और क्या चल रही है, नहीं करते हैं। क्या चाहते हैं? हम तो चाहते हैं रोड बन जाए। क्या कहना चाहे, गड्ढा मुक्त की बजाय गड्ढा युक्त हो गया है हमारा रोड। यहाँ पे कोई आना नहीं पसंद कर रहा है, रिश्तेदार आना नहीं पसंद कर रहे हैं, मैयत में लोग रिश्तेदार नहीं आना पसंद कर रहे हैं। ये हमारी सरकार है और कितनी बार आंदोलन इसके लिए हुआ, कोई इधर से कोई नहीं, चाहे हमारे विधायक जी हों, चाहे हमारे चेयरमैन हों, चाहे हमारे नए सांसद जी हैं, क्या ये जानते नहीं इस रोड की क्या हालत है? इस पर दौरा नहीं करके गए हैं, प्रचार करके नहीं गए हैं? अब की बार तो लोग डर के मारे इस पर रोड पे वोट नहीं मांगने आए। अच्छा, किस मुँह से मांगेंगे? नहीं नहीं, उनके लिए लिपापोती तो होगी, जिस रोड से आएंगे वो रोड को चिकना बना दिया जाएगा, बाकी जनता बाढ़ में जाए, क्योंकि वोट देने का काम जनता का सिर्फ है, बाकी कोई काम नहीं है। उनकी क्या परेशानी कोई देखने वाला नहीं, एक पर्टिकुलर बिरादरी का तो यहाँ रहता नहीं, हर वर्ग के लोग रहते हैं यहाँ। डी स्थान है, मदरसा है, स्कूल है, हॉस्पिटल है, क्या चाहते हैं कि रोड को पूरा तोड़वा दें, खुदवा दें और रोड ना बनवाएं इसको। जनता बहुत त्रस्त है, खुदवा दें बल्कि बेहतर हो जाएगा, कोई इस पर आना ही ना चाहे, कोई गाड़ियाँ ना आए, हम लोग सुकून से रहें। गाड़ियाँ आती हम लोग ऊपर छिट्टा पड़ती है, दिन भर में 4 बार ना आए हम लोग, यही है हमारा रोड। गड्ढा मुक्त के लिए सांसद जी आ रहे, हमारे पूर्व विधायक, भाजपा तो कहती है कि जो है हमारा प्रदेश जो है गड्ढा मुक्त हो जाएगा, और एक बार गए जीत के ख़त्म हुआ, दूसरा सेशन भी स्टार्ट हो गया,
पर गड्ढा युक्त है, गड्ढा मुक्त थोड़ी है। गड्ढा बनाया जा रहा और लिपा पोती की जा रही है, हल्की क्वालिटी का बनाया जा रहा, रोड टूट जा रहा, ये तो इस पर तो कोई तवज्जो नहीं। भैया हम क्या कहें, इस रोड का तो हम जब से यहाँ हैं, हम दुकान चला रहे हैं यहाँ पे, हम 5 साल से हैं भैया, इस रोड पे बनते हुए नहीं देखा, खाली खुदते हुए देखा है। आगे टेढ़िया मंजी तक बन गया है, इस पर ना कोई दौरा है ना किसी का। अगर मुख्यमंत्री एक बार खाली इस पर दौड़ जाए, ये रोड रातों रात सही हो जाएगा। एक बार सिर्फ इनको अधिकारी नहीं दौड़ाएंगे ना, अधिकारी वही रोड दौड़ाएंगे जो रोड सेफ होगा। वो थोड़ा सा वो लिपा पोती हो गया, अब उससे क्या है, वहाँ दौड़ाए अधिकारी, फुटपाथ पूरा उजाड़ दिए। भाई जो गरीब है, जो कमा रहा है डेली रोजी रोटी है उसकी, वो भी उजाड़ दिए। मतलब मुख्यमंत्री का मतलब दिखावा है, ये दिखावा चल रहा है ना। ये रोड देख लीजिए आप, जब से हो संभाला इसके लिए मतलब धरना से लगे सब, अभी निरहुआ जी डाले हैं, अपना सांसद हमारे ये डाले हैं। वर्तमान जो जो विधायक है उससे कोई मतलब है नहीं, वो दिना भर इसी पर दौड़ता है, उससे कोई मतलब है विधायक जी से कोई मतलब, विधायक जी तो बेकार है। भैया हम यही चाहते हैं कि या तो रोड ये सही करवा दें, इसको सबसे बेहतर है। रोड सही करा तो कोई जनता इस पर आना नहीं चाहती है, परेशान हो गई है। भाजपा का देखिए दूसरा शासन चल रहा है उसका, एक तो जा चुका 5 साल का, अब ये चल रहा है कहीं गड्ढा मुक्त, लेकिन मुक्त नहीं हो पाया। वो 5 साल निकल गया लेकिन मुक्त नहीं हो पाया, भ्रष्टाचार चरम पे है। अगर चेयरमैन से कहिए, चेयरमैन कहता है कि हमको सरकार पैसा ही नहीं देती है, चेयरमैन भी कहता है। अभी अभी दुर्गा जी से कहिए तो एकदम सांसे डकार, जो कि डेली इस पर दुर्गा जी दौड़ रहे हैं, जो कि उनका विधानसभा है, सदर विधानसभा है, उनका भी हक है, उनकी सरकार थी तब भी नहीं बना। नाग पंचमी के पर्व पर मंगलवार को जनपद में परंपरागत ढंग से श्रद्धा पूर्वक मनाया गया। गांव से लेकर नगर तक नाग देवता के दर्शन करने के लिए जहां होड़ लगी रही, इनकी भावपूर्ण ढंग से पूजा भी की गई। श्रद्धालुओं को नाग देवता का दर्शन कराने के लिए सपेरे हर ओर चहलकदमी में जुटे रहे। बच्चों बड़ों ने घंटों कबड्डी कुश्ती खेल कर व झूला झूल कर त्योहार का भरपूर आनंद लिया। कृषकों ने खेत में पहुँच धान की फसलों का पर दूध व लाव चढ़ाकर अधिक अन्न उत्पादन के लिए पूजन अर्चन किया। नाग पंचमी का त्यौहार क्षेत्र में पारंपरिक श्रद्धा और भक्ति भाव से मनाया गया। नागदेव की विशेष पूजा अर्चन किया गया, उन्हें दूध लावा चढ़ाकर पूजा किया गया। घरों को साफ सुथरा कर प्रवेश द्वार पर नाग और नागिन की आकृतियां बनाकर उनकी विशेष पूजा अर्चना की गई। गौरतलब है कि भारतीय संस्कृति में नाग पंचमी का बड़ा महत्व है। सनातन धर्म में नाग पंचमी से ही अन्य त्यौहार प्रारंभ होते हैं। नागदेव को सूर्य और शक्ति का अवतार माना गया। आज के दिन सर्प देखना शुभ माना जाता है। इसे देखते हुए श्रद्धालुओं को नाग देवता का दर्शन कराने के लिए सपेरे हर ओर घूमते नजर आए। वहीं राधे, क्या करते हैं आप लोग? बस एक काम है, सांप पकड़ना, मांगना खाना, ऐसा हम लोग का नहीं, त्यावड़ा भी कलेजा नहीं है। कहे के अपना हमारे गुरु हमको थोड़ा थोड़ा चला रहे, थोड़ा बचपन से यही काम है हम लोगों का। मगर हाँ, ज्यादा करके दर्शन कराते हैं हम लोग। क्या क्या लोग देते हैं? बस यही साड़ी हुई 51, 151 और कुछ 10-5 रुपए, जैसे दूध दूध वगैरह वगैरह पिलाना होता है नाग बाबा को, यही लिए चलते हैं हम लोग। एक नहीं, बहुत से आदमी आए बंगाली, हम लोग रायबरेली। नाग देवता की पूजा होती है साल में एक वर्ष, वर्ष में एक बार पड़ता है नाग पंचमी, जिसमें मंदिरों पर लोग चढ़ावा चढ़ाते हैं, नाग देवता की पूजा करते हैं। वर्ष में एक बार होता है पूजन स्वयं का, हाँ दर्शन भी किया जाता है। जहाँ जहाँ है मंदिरों में लोग, जैसे लोग ये लोग मजमा वाले हैं, अपना दिखाते हैं, दर्शन करते हैं, लोग चढ़ावा भी चढ़ाते हैं, जो भी दक्षिणा होता है उनको देते हैं। पर्व की मान्यता के चलते मंदिर में दर्शन पूजन के साथ जगह जगह ग्राम देवता की विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना की गई। उन्होंने सालीना पूजा के साथ कढ़ाई चढ़ाकर घर परिवार की उन्नति सुख समृद्धि की कामना की। नगर में बड़ा देव स्थान के साथ कालीचौरा व अन्य स्थानों पर पहुंच लोगों ने सालीना पूजा कर अपने इष्ट देवी देवताओं को पकवान का भोग लगाकर मंगल कामना की। आज का दिन का महत्व यही है कि साल भर में नाग पंचमी का पर्व पड़ता है, ये बहुत महत्वपूर्ण पर्व है। इस पर सुबह सब अपना धान लावा नाग देवता को चढ़ाते हैं, फिर बृहद रूप में करहिया करते हैं, अपने अपने घर में मंगल की कामना करते हैं, पूजा करते हैं, नाग देवता से कामना करते हैं, भगवान से कामना करते हैं, भगवती से कामना करते हैं कि हमारा परिवार हरा भरा रहे, माता और सबको सुखी रखें। हाँ यही महत्व है। हाँ, अरे श्रावण में सब देवता का फाटक खुल जाता है,
श्रावण में सब देवता का फाटक खुल जाता है, इसलिए श्रावण में करहिया का बड़ा महत्व है। सब जगह पूरी संसार में जो हिंदू धर्म में है तो अपना सावन में अपना करहिया चढ़ाते हैं और अपना हवन पूजा कराते हैं अपने अपने मंगल के लिए, अपने अपने घर की रक्षा के लिए। हत्या और गैंगस्टर के मुकदमे में बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आजमगढ़ के MPMLA कोर्ट में पेशी हुई। वहीं अन्य सभी आरोपी वर्चुअली व व्यक्तिगत रूप में कोर्ट में पेश हुए। बता दें कि 2014 में जिले के तरवा में एक मजदूर की हत्या के मामले में मुख्तार अंसारी समेत 11 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। मुकदमे की अगली तारीख 17 अगस्त को पड़ी है। लोक अभियोजक लाल बहादुर सिंह ने बताया कि हत्या के मामले में तत्कालीन थाना अध्यक्ष तरवा अनिल चंद तिवारी बतौर गवाह आज उपस्थित हुए। माननीय अदालत ने पिछली सुनवाई में उनके खिलाफ वारंट जारी करते हुए गिरफ्तार कर आज पेश करने का निर्देश दिया था। हत्या और गैंगस्टर के मुकदमे में मुख्तार अंसारी समेत अन्य सभी आरोपियों की पेशी में गवाहों ने बयान दर्ज कराए। आज दिन भर बयान चलता रहा। बयान के लिए अब अगली तारीख 17 अगस्त को मुकर्रर की है। लोक अभियोजक लाल बहादुर सिंह ने बताया कि हत्या के मुकदमे में व्यस्तता के चलते आज गैंगस्टर के मुकदमे की सुनवाई नहीं हो सकी। गैंगस्टर के मुकदमे की सुनवाई के लिए अब अगली तारीख 17 अगस्त पड़ी है। मुख्तार अंसारी के खिलाफ तरवा थाने का जो कत्ल का मुकदमा है, इसके बना मुख्तार अंसारी वगैरह चार्ज बढ़ने के बाद आज गवाह तलब था। इंस्पेक्टर गवाह आया और उन लोगों की पेशी जो है, बाकी जो उपस्थित बाहर हैं वो सब स्वयं हाजिर आए। मुख्तार अंसारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर आए और गवाही सुनते रहे। पूरी गवाही दिन भर चली और वो गवाही अभी समाप्त नहीं हुई। अभी गवाही हमको और कराना है उनका, इसके लिए 17 तारीख पड़ी है। अभी कंटिन्यूड है चीफ, तब जीरा तब इसके बाद उनकी जीरा होगी बस। और कोई मामला था? नहीं, और कोई मामला, एक उनका गैंगस्टर था जिसमें कि चूँकि इस मुकदमे में ही हम लोग व्यस्त रह गए, उसमें कोई कार्रवाई नहीं, उसमें भी 17 तारीख पड़ी बस। क्या मामला था? ये जो दूसरा मामला था गैंगस्टर एक्ट का था, तो गवाही उसमें भी थी। मंडल आयुक्त मनीष चौहान ने निर्देश दिया है कि समस्त मंडलीय अधिकारी मुख्यालय पर उपस्थित रहना सुनिश्चित करें तथा अपने अपने विभाग से संबंधित कार्यों की निरंतर समीक्षा करते हुए कार्यों में प्रगति एवं पारदर्शिता लाएं। वह मंगलवार को अपने कार्यालय सभागार में मंडलीय अधिकारियों से परिचय प्राप्त करने के साथ ही आगामी 4 अगस्त को मुख्यमंत्री के प्रस्तावित समीक्षा बैठक से संबंधित बिंदुओं की समीक्षा कर रहे थे। मंडलायुक्त श्री चौहान ने कतिपय कार्यक्रमों में मंडल के जनपदों की रैंकिंग काफी कम पाए जाने पर संतोष व्यक्त करते हुए निर्देशित किया कि जो विभाग रैंकिंग में पीछे वो आगामी बैठक तक कम से कम टॉप 20 में लाना सुनिश्चित करें। यदि किसी अधिकारी को बिना अवकाश स्वीकृति कराए अवकाश पर होना पाया जाता है तो उनके विरुद्ध कार्रवाई हेतु शासन को संस्तुति भेज दी जाएगी। मंडलायुक्त ने कहा कि कार्यों में अपेक्षित प्रगति लाने हेतु सभी मंडलीय अधिकारी अपने विभागीय कार्यों की स्वयं समीक्षा करने के साथ ही जनपदीय अधिकारियों के माध्यम से भी उनकी नियमित रूप से समीक्षा कराएं। सूचनाओं के त्वरित आदान प्रदान हेतु व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं अथवा अन्य संसाधनों का उपयोग करें। मंडलायुक्त मनीष चौहान ने प्रवर्तन कार्यों की समीक्षा के दौरान इसमें और तेजी लाने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है। उन्होंने निर्देश दिया कि निरंतर छापेमारी कर अवैध शराब पर प्रभावी रोक लगाई जाए तथा अवैध शराब के कारोबारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए। मंडलायुक्त ने कहा कि यदि परिवर्तन कार्य में कोई दिक्कत हो तो तत्समय की ही अवगत कराया जाए। इस अवसर पर अपर आयुक्त हंसराज, संयुक्त विकास आयुक्त OPR, अधीक्षण अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण विभाग PK सिंह गौर, मंडलीय अर्थ एवं संख्या अधिकारी डॉ. नीरज श्रीवास्तव, अपर निदेशक पशुपालन, मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग सहित अन्य मंडलीय अधिकारी उपस्थित थे। आजमगढ़ के पिंचक सिलाट मार्शल आर्ट्स के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी सूरज प्रकाश श्रीवास्तव ने भारतीय टीम की तरफ से मलेशिया में 26 जुलाई से 1 अगस्त तक 2022 तक आयोजित 19वीं विश्व पिंचक सिलाट चैंपियनशिप में देश की तरफ से 80-85 किलो भार वर्ग में खेलते हुए प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में उज्बेकिस्तान के खिलाड़ी को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश पर इतिहास रचा। इस भार वर्ग में क्वार्टर फाइनल तक पहुंचने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में थाईलैंड के खिलाड़ी से कड़े मुकाबले में कुछ अंक के अंतर से
उन्हें हार का सामना करना पड़ा। सूर्य प्रकाश श्रीवास्तव ने फोन पर हुई वार्ता में कहा कि विश्व चैंपियनशिप किसी भी खेल की वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ी चैंपियनशिप होती है। यहां तक प्रतिभाग करना हर खिलाड़ी का सपना होता है। इंडियन पेंचक सिलाट फेडरेशन के पदाधिकारियों व टीम के चयनकर्ताओं ने इस चैंपियनशिप में प्रतिभाग करने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत आभारी हूँ। आजमगढ़ जैसे शहर में बिना किसी अत्याधुनिक सुविधाओं के कठिन परिश्रम से मैंने तैयार किया था तथा 21 दिन का भारतीय टीम के श्रीनगर में लगे कैंप में भी प्रशिक्षण लिया था। मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देने की पूरी कोशिश की, लेकिन कुछ तकनीकी अंकों से मुझे क्वार्टर फाइनल में हार का सामना करना पड़ा। मेरे लिए गर्व का विषय है कि इस भार वर्ग में विश्व चैंपियनशिप में क्वार्टर फाइनल तक पहुंचने वाला मैं पहला भारतीय खिलाड़ी हूं। मैं इंडियन पेंचक सिलाट फेडरेशन के सीईओ व मुख्य कोच मोहम्मद इकबाल, गुरु जसपाल सिंह कार्यकारी अध्यक्ष पेंचक सिलाट खेल संघ उत्तर प्रदेश व पिताजी माताजी का विशेष रूप से आभारी हूं। पूरे देश से कुल 36 खिलाड़ी विभिन्न भार वर्ग में इस चैंपियनशिप के लिए चयनित हुए। इसमें कई खिलाड़ी सीमा सुरक्षा बल, राजस्थान पुलिस व जम्मू कश्मीर पुलिस की भी भारतीय टीम में शामिल थे। टीम कोच के रूप में इंडियन पेंचक सिलाट फेडरेशन की डायरेक्टर जनरल मोहम्मद इकबाल, टीम मैनेजर इरफान अजीज भुट्टा, महासचिव मुफ्ती हामिद यासीन, हेमा मिश्रा शामिल थे। याद हो कि सूरज प्रकाश श्रीवास्तव ने वर्ष 2019 में आयोजित विश्व पेंचक सिलाट चैंपियनशिप थाईलैंड में देश के लिए कांस्य पदक जीता था तथा गत वर्ष राष्ट्रीय पेंचक सिलाट चैंपियनशिप व फेडरेशन कप दोनों में स्वर्ण पदक तथा इस वर्ष राष्ट्रीय पेंचक सिलाट चैंपियनशिप में कांस्य पदक व राष्ट्रीय फेडरेशन कप में रजत पदक जीतकर जनपद व प्रदेश का नाम सम्मान बढ़ा चुके हैं। इसी मेरिट के आधार पर इनका चयन पुनः भारतीय टीम में हुआ था। सूर्य प्रकाश श्रीवास्तव मूल रूप से तहबरपुर ब्लॉक के बीवीपुर कदीम गाँव के रहने वाले हैं तथा वर्तमान में कृष्णा नगर कॉलोनी लालपुर बास बहादुर में निवास करते हैं। इनके पिता सतीश चंद श्रीवास्तव कलेक्ट्रेट में अधिवक्ता है। सूरज 12 वर्ष की आयु से ही मार्शल आर्ट्स का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे। इनकी उपलब्धि पर माता कुसुम लता श्रीवास्तव, बहन संध्या श्रीवास्तव, असिस्टेंट कमांडेंट रविकांत श्रीवास्तव, डॉक्टर सुनील चंद श्रीवास्तव ने खुशी जाहिर की है। दरवाजे के सामने जबरन किए जा रहे कब्जे से डरे सहमे एक दिव्यांग बुजुर्ग को गुरुवार को जिलाधिकारी का दरवाजा खटखटाना पड़ा। मामला सिधारी थाना क्षेत्र के बाग रखराव का है। दिव्यांग बुजुर्ग ने बताया कि उनके दरवाजे के सामने गांव के दबंग जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं। उनका रास्ता रोकने संबंध में उन्होंने थाने में लिखित सूचना दी, लेकिन दबंगों पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। अब हौसला बुलंद दबंगों ने रास्ते व आबादी की जमीन पर कब्जा करने के बाद अवैध निर्माण शुरू कर दिया है। गुरुवार को उन्हें जिलाधिकारी से तत्काल हस्तक्षेप की मांग करते हुए आबादी और रास्ते की जमीन में हो रहे अवैध कब्जे को हटाए जाने की उनसे मांग की है। दरवाजे के सामने आबादी है और जो उसी पर हम आते जाते हैं। अवैध तरीके से बदरी मौर्या और जो है छब्बू मौर्या, BDC पप्पू मौर्या, पप्पू और कहना की पीस मौर्या, वो लोग जो है जबरदस्ती वहाँ पर मतलब बैल गोरु बांध रहे हैं और उसको जो है छरदवाली मार रहे हैं, हमारा रास्ता बंद कर रहे हैं और मना करने पर, क्या करते हैं? मना करने पर नहीं मानते हैं, मारने की धमकी देते हैं। हम विकलांग आदमी हैं, हम क्या कर सकते हैं? आप थाने गए? हाँ, थाने पर गए तो थाने पर फिर से जो है लोग पैसा वैसा देकर जबरदस्ती कब्जा करना चाहते हैं उसको। और आपके पास सुनी जा रही कि नहीं मतलब सुनी नहीं जा रही है बात। और जो तो उसके बाद हमने जो है एसपी साहब के यहाँ गए, एसपी साहब के यहाँ से जो है वहाँ पर थाने पर फोन गया तो उसके बाद थाना गया तो उसको रोका। अब जो है फिर जबरदस्ती लोग पैसा कौड़ी देकर फिर जबरदस्ती घेरना चाहते हैं और हमारे घर से उन सबों का घर 100 मीटर दूरी पर है। क्या चाहते हैं आप? हम लोग यही चाहते हैं कि जो हमारी ज़मीन है उसको भी कब्जा कर रहे हैं, उसको छोड़ दें, वो जो आबादी की ज़मीन है उसको सब खाली कर दें। वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़ अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, PVC डोर, फोर माइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए चार चांद, पहुंचिए वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़। इंटरनेशनल ब्रांड कॉब अपैरल्स, हर फैशन के कपड़े, हर मौसम के कपड़े, फॉर्मल शर्ट, कैजुअल शर्ट, पैंट, डेनिम, जीन्स, टी शर्ट, सूट, ब्लेजर, बेल्ट, अंडर गार्मेंट्स एंड शूज, धमाका ऑफर, बाय वन गेट थ्री, 50% डिस्काउंट ऑन सिंगल गार्मेंट्स, शूज पर फ्लैट 70% ऑफ। जल्दी करें ऑफर सीमित समय के लिए। शादी विवाह की करनी हो तैयारी या त्योहारों पर करनी हो खरीदारी तो पहुंचिए कॉब,
निकट आनंद अस्पताल मुकेरीगंज आजमगढ़। काशी गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड की नई सौगात। काशी इलेक्ट्रिक श्री गांधी गुरुकुल इंटर कॉलेज भवरनाथ के सामने इलेक्ट्रिक स्कूटी का भव्य शोरूम। पेट्रोल का खर्चा जाइए भूल, तय करिए कम बजट में पोल्यूशन फ्री लंबा सफर। देश में इलेक्ट्रिक स्कूटी की सबसे अनुभवी कंपनी हरियाणा की विनिंग फ्यूल्स मोबिलिटी की स्कूटी में मिलेगा आपको लो स्पीड हाई स्पीड स्कूटी, सुपर कंफर्ट, सस्टेनेबल सीट के साथ अच्छी लाइटिंग फीचर्स। सुनहरा अवसर खरीदें ये स्कूटी और पाएं निश्चित उपहार। ई स्कूटी की अपार सफलता के बाद जल्द आ रहा है इलेक्ट्रिक बाइक। होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा सिधारी आजमगढ़। स्वच्छ और आरामदायक एसी एंड नॉन एसी रूम्स, 24 आवर रूम सर्विस, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज, इटालियन वेज एंड नॉन वेज लजीज और जायकेदार व्यंजन उचित रेट पर उपलब्ध। शादी विवाह, एंगेजमेंट, मैरिज एनिवर्सरी, बर्थडे पार्टी के लिए लार्ज बैंक्वेट हॉल, मीटिंग और सेमिनार के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल, आपकी खुशियों में लगाए चार चांद। होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा सिधारी आजमगढ़।